एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि हमारा ओ लेवल और ए लेवल पे बेस्ड है, उस सब्जेक्ट के हम टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं। प्रीवियस की क्लासेस में मैंने स्ट्रिंग के बारे में आपको बताया था कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह से स्ट्रिंग्स को आप प्रिंट करवा सकते हैं और स्ट्रिंग पर कैसे कैसे फंक्शंस हम वर्क कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम स्ट्रिंग से जस्ट नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कि नेम है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग नॉर्मली आप जानते हो, कोई भी पार्ट्स में से डिवाइड करना है ना, आप स्लाइसेस कर देते हो, कोई बड़ा पार्ट होता है उसके स्लाइसेस कर देते हो, उसी को समझते हुए स्लाइसिंग भी हमारा किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। स्ट्रिंग आप समझ ही गए होंगे कि एक टेक्स्ट है, कंटिन्यूस सिक्वेंस में हम टेक्स्ट को हमारे मेमोरीज में के लोकेशन जो हमने सेट करवाए वहाँ पर ऐड करवाते हैं, ठीक है। उसी का अब क्या है स्लाइसिंग, यानी जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, जो भी हमने टेक्स्ट दिया था, हमारा स्ट्रिंग दिया था, उसमें से कुछ सेलेक्टेड टेक्स्ट को ही आप क्या लेना चाहते हैं, स्लाइस करना चाहते हैं, उसके लिए हम स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इन अ स्ट्रिंग इफ़ यू वॉन्ट टू गेट अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग में कोई ऐसा पार्ट जो कि आप गेट करना चाहते हैं, आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्लाइस कहलाएगा। दैट पार्ट इज नथिंग बट अ स्लाइस, वो पार्ट कुछ भी नहीं है लेकिन वो क्या कहलाता है, आपका स्लाइस कहलाता है, ठीक है। यानी जो भी आपने स्ट्रिंग ली थी कल, ऐसे मेमोरी बनाई थी, उसमें आपने बॉक्सेस बनाए थे, उन बॉक्सेस में आपके लेटर्स ऐड हुए थे, है ना, तो वो जो लेटर्स आपने दिए थे, स्ट्रिंग दी थी, उसमें से कुछ लेटर्स को या कुछ पार्ट्स को ही अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्लाइसिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। इन दिस केस वी यूज टू गेट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग स्लाइट ऑपरेटर। स्लाइसिस करने के लिए हम स्लाइट्स ऑपरेटर का हमारे इस प्रोग्राम में, पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में हम स्लाइसेस ऑपरेटर्स के थ्रू क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में से या किसी भी स्ट्रिंग में से हम कुछ पार्ट्स हमारा हमारे प्रोग्राम में यूज में लेते हैं। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स स्ट्रिंग स्लाइसिंग इज मैकेनिज्म ऑफ ऑब्टेनिंग अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग और रेंज और कैरेक्टर्स ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। वही जो हम अगर अलग वे में कहना चाहें, दूसरे शब्दों में कहना चाहें, तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स के एक पार्ट है ना, या दिए गए स्ट्रिंग से कैरेक्टर का एक भाग है ना, अगर कैरेक्टर का कोई पार्ट आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसका मैकेनिज्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो हम स्लाइसिंग का यूज़ वहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक सिंटैक्स दिया है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट्स हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, और उसके बाद आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं, जो भी आपने स्ट्रिंग ली होगी उसका, जो भी आपने वेरिएबल लिया होगा वो आप यहाँ पे देंगे, इस तरह से ब्रैकेट्स लगाएंगे। एक आता है इसमें बिगिन, आता है कि किस नंबर से आप क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट अपने मैकेनिज्म के लिए यूज़ में लेना चाहते हैं, एंड कौन से टेक्स्ट नंबर पर करना चाहते हैं, कितने स्टेप तक के या कितने स्टेप से आगे बढ़ना है, कितने स्टेप तक वर्क करना है, वो आपका स्टेप के अंडर में आ जाता है। फर्स्ट देख देते बिगिन, स्टार्टिंग इंडेक्स वेयर द स्लाइसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट बिगिंस, ठीक है। इंडेक्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, जहाँ से हम स्लाइसिस के लिए स्टार्टिंग करते हैं ना, वो हमारा किस में आ जाता है, बिगिन इंडेक्स के अंदर में आ जाता है। हम हमारे जो भी स्ट्रिंग का इंडेक्स बनता है, वो अभी मैं आगे बताऊँगी, उस इंडेक्स से हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमारा नंबर कहाँ, किस नंबर से, किस इंडेक्स नंबर से हमें प्रिंट करवाना है, वो हमारा बिगिन के अंदर में आ जाता है। एंड इंटीजर अंटिल विच द स्लाइसिंग टेक्स प्लेस द स्लाइसिंग एंड्स एट इंडेक्स एंड माइनस वन, ठीक है। एंड आपने मान लीजिए टू नंबर से लिया, तो टू नंबर तो कहाँ पर आ गया, आपके बिगिन में आ गया। अब आप चाहते हैं टू से सिक्स नंबर तक की जो भी आपकी स्ट्रिंग है, उसमें से इन पार्ट्स का क्या हो जाए, स्लाइस हो जाए, ठीक है। तो सिक्स का ना लेते हुए सिक्स माइनस वन करके फाइव तक के जो भी कैरेक्टर्स होगा वो आपको आउटपुट में प्रोग्राम के थ्रू शो हो जाएगा। तो जो ये सिक्स नंबर लिया था वो हमारा एंड के अंडर में आया था। बिगिन आप समझिएगा स्टार्टिंग पॉइंट, एंड हमारा लास्ट पॉइंट, जिसमें कि हमें एंड पॉइंट से माइनस वन करके जो लेटर होता है वो हमें प्रिंट होके मिल जाता है। स्टेप इंक्रीमेंट वैल्यू, यानी आप कितने नंबर से इंक्रीज करवाना चाहते हैं, आगे स्टेप वर्क करवाना चाहते हैं, तो वो आपका इंक्रीमेंट वैल्यू में आ जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हमने हमारे प्रोग्राम में एक के नाम का वेरिएबल लिया, और देखिए हमने एक स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग का आप समझ ही गएंगे, डबल इन्वर्टेड कोट्स में हमने इस टेक्स्ट को लिया है, नॉलेज को, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा, देखिए
यहाँ पे क्या हो गया, एक मेमोरी लोकेशन बनी है ना। मेमोरी लोकेशन किसकी बनी, के की। और उसमें क्या हुई, स्ट्रिंग आपकी ये पूरी अलोकेट हो गई, ठीक है। कि पूरा जो आपने नॉलेज लिखा था ये इसकी क्या बन गई, मेमोरी बन गई। यानी एक बॉक्स में के आया, एक में एन आया, एक में ओ आया, एक में डब्ल्यू, ठीक है। इस तरह से मेमोरी बन गई। अब इन मेमोरी का एक इंडेक्स नंबर भी बनता है आपके मेमोरीज में। कैसे, जो आपका फर्स्ट लेटर होता है उसका क्या दिया जाता है, नंबर जीरो दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वन आता है, फिर टू आता है, फिर थ्री आता है। इस तरह से क्या होता है, इंडेक्सिंग नंबर आपके जो भी आपने स्ट्रिंग लिया होगा उसका आपको दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका के का जीरो हो गया, ठीक है। इसी तरह ये क्या हो गया, सेकंड वाला आपका के का वन हो गया, यानी इंडेक्स बनते जा रहे हैं ये, ठीक है। इसी तरह ये आपका के का टू हो गया, ये इंडेक्स बनते जा रहे हैं। इन इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही आपके स्ट्रिंग क्या होती है, मेमोरी में सेव होती है। तो सबसे पहला आपके देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जीरो से स्टार्ट होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन आपने देख लिया, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक इसका बैकवर्ड डायरेक्शन भी होता है, इसको भी अभी ही देख लें। बैकवर्ड डायरेक्शन यानी जो भी आपने स्ट्रिंग ली है उसके बैक साइड से ये डायरेक्शन आपका वर्क करता है। बट देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके जीरो से स्टार्ट होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में आपके -1 से स्टार्ट होता है। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो यहाँ पे -9 तक आपको इस टेक्स्ट में मिल, इस स्ट्रिंग में आपको शो हो रहा है। आप चाहे तो प्रिंट माइनस वाली सीरीज से भी, बैकवर्ड डायरेक्शन से भी करवा सकते हैं या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी करवा सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं स्लाइसेस का। आपने क्या दिया यहाँ पे, ये के तो हमने दे ही दिया वेरिएबल। अब हम करवाना चाहते हैं प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं, हमने ब्रैकेट लगाया, वेरिएबल का नेम दिया के। के में हमें इन नंबर्स तक की स्लाइसिंग करनी है, कहाँ से, 2 से लेके 5 तक की। अब मैंने बताया था देखिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का हम यूज़ करेंगे। 2 कहाँ आ रहा है, ये 0 है, ठीक है, ये 1 है आपका और 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। तो अब प्रिंट होते टाइम क्या होएगा, सबसे पहले ये 2 वाली जो वैल्यू हो, जो स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अब ये कह रहा है 2 से 5 तक का, 2 प्रिंट हो गया। 3 में क्या लिखा हुआ है, W प्रिंट हो जाएगा आपके। 4 में क्या लिखा हुआ है, आपके L लिखा हुआ है। बट मैंने बताया था एंड वाला आपके जैसे 5 दे रखा है, तो 5 तक ना जाके इस नंबर में -1 तक की जो भी सीरीज होती है वहाँ तक का टेक्स्ट क्या कर दिया जाता है, आपके प्रिंट कर दिया जाता है। तो 5 -1 करा 4, तो 4 तक की जो भी सीरीज थी वो हमारे क्या हो जाएगी, आउटपुट में हमें मिल जाएगी। तो हमें क्या मिल गया, OWL, ठीक है। समझ में आया किस तरह से हम एक बड़ी स्ट्रिंग में से कुछ अमाउंट को, कुछ टेक्स्ट को अलग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ नीचे भी ये बता रहा है, K25 returns a substring slice from beginning index 2 to end 1, है ना, 5 -1 indexing। और एग्जाम्पल हमें ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है। आपको समझ में आया, अभी हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन लिया था। अगर यही आप बैकवर्ड डायरेक्शन के थ्रू लेते तो आप क्या कर सकते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया -2 से -5 तक का, ठीक है, प्रिंट करवाना है। तो ये कहाँ से चलता, आपके -2 यहाँ से चलता, ठीक है। पहले जी प्रिंट होता, फिर डी प्रिंट होता, फिर आपका ई प्रिंट होता है ना, यानी उल्टी साइड से, बैकवर्ड साइड से ये आपका प्रिंट होता। तो आपको दोनों तरीके से समझ में आएगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन किस तरह से होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन किस तरह से होता है। और बाकी आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएंगे। नोट करने वाले टॉपिक्स हैं हमारे लिए, देखिए सबसे पहला जो आ रहा है आपका, इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई एनी बिगिन इंडेक्स वैल्यू देन इट विल कंसीडर फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। सबसे पहला क्या दे रहा है हमें, अगर आप यह नहीं जानते हैं कि आपका इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्टिंग का कहाँ बताया गया है ना, तो ये क्या मानता है कि बिगिनिंग से ही आपके स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। अगर आपने जैसे अभी हमने ब्रैकेट्स में लिखा था ना 2 5, अगर आपने 2 नहीं दिया है तो ये क्या मानेगा कि स्टार्टिंग से मुझे क्या करवाना है, इस टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है जहाँ तक मुझे एंड पॉइंट दिया गया है। इसी तरह इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई एनी इंडेक्स एंड इंडेक्स वैल्यू देन विल कंसिडर अप टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये क्या कंसिडर करता है, अगर आपने एंड नहीं दिया, जैसे 5 दिया था हमने, वो एंड वैल्यू नहीं दिए, तो ये क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग को क्या, जो एंड पॉइंट होगा वहाँ तक क्या करवा देगा, आपको प्रिंट करवा के आउटपुट दे देगा, ठीक है। और इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई वैल्यू ऑफ बिगिन एंड एंड इंडेक्स एंड टोटल स्ट्रिंग विल बी टेकन बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आपने एंड पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट नहीं दिया है, नंबर नहीं दिया है, तो ये क्या करेगा, पूरा जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसे क्या करवा देगा, आपको प्रिंट करवा के
आपके प्रोग्राम में शो करवा देगा। इसका एग्जांपल करके देख लेते हैं एक, ठीक है। हमारा आइडियली प्रोग्राम आपको पाइथन का रन करना आता ही है, हम उसे ही रन करेंगे और वर्क करके देखेंगे कि कैसे इस पर हमारा वर्क होगा, ठीक है। स्टार्ट बटन पे जाते हैं हम आइडियली, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम आ गया। अब फॉर एग्जांपल हमें कोई टेक्स्ट लिखना है ना, हम सबसे पहले क्या दे देते हैं, एक वेरिएबल दे देते हैं इक्वल्स टू, उसमें स्ट्रिंग लिख देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे hello, हेलो ही लिख देते हैं, ब्रैकेट कर ली, ब्रेसेस हमने क्लोज करे, कोट्स क्लोज करे, ठीक है। अब क्या करवाना चाहते हैं, मैंने भी बताया कि अगर हम स्टार्टिंग नंबर नहीं देते, दोनों से तो आपको आ ही गया कि दोनों नंबर्स का कैसे प्रिंट होगा, अब हम करके देखते हैं स्टार्टिंग अगर नंबर नहीं देते हैं तो क्या प्रिंट होता है। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले वेरिएबल लेंगे, ब्रैकेट लगा दें, आप चाहे तो प्रिंट भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप बिना प्रिंट के भी वर्क कर सकते हैं। केवल आपने क्या लगाया यहाँ पे, कॉलन लगाया, कॉलन का यूज़ करा। अब यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है, और सॉरी 1, 2, 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लिया हमने और ब्रैकेट कर देते हैं हम क्लोज, ठीक है। स्टार्टिंग आपने कुछ भी नहीं दिया है, नॉर्मली अगर 2 देते तो ये 2 से स्टार्ट होता, बट अभी आपने कुछ भी नहीं दिया है, एंटर करेंगे तो देखिए ये बाय डिफॉल्ट क्या मान रहा है कि इसे स्टार्टिंग से ही वैल्यू जो भी टेक्स्ट है वो प्रिंट करवाना है। स्टार्टिंग का अगर आप दे रहे हैं, मान लीजिए स्टार्टिंग का आपने दे दिया कि ये हो जाए 2 से स्टार्ट हो जाए, है ना, और आपने कॉलन दे के ब्रैकेट क्लोज करवा दिया, एंटर करवाया, तो देखिए ये क्या मानेगा कि मुझे कहाँ से स्टार्ट होना है, 2 से स्टार्ट होना है, ठीक है। 2 में आपने देखा जैसे आपकी मेमोरी बनी, तो मेमोरी में एस तो किस पे है, आपकी इंडेक्सिंग में 0 है, ई किस पे है, आपके 1 पे है, एल किस पे है, आपके 2 पे, फिर एल किस पे है, 3 पे, और फिर ये आपके 4 पे। देखिए यहाँ पे एच ई एल आया था, क्यों, क्योंकि ये 3 से -1 ले रहा था, है ना, 3 आपने दिया था तो -1 करा तो कितना हो गया 2 तक की, तो आपकी एच 0 वाली प्रिंट हो गई, 1 इंडेक्स वाला आपका ई प्रिंट हो गया और 2 इंडेक्स वाला आपका एल प्रिंट हो गया, उसके अलावा वैल्यू इसने प्रिंट नहीं करवाई। इसी तरह 2 से स्टार्ट करा इसने 0, 1, 2, ठीक है, 2 से स्टार्ट करा, L हो गया, 3 प्रिंट करवा दिया और लास्ट तक का इसने प्रिंट करवा दिया, क्योंकि हमने इसे लास्ट तक का बताया नहीं था कि हमें कहाँ तक प्रिंट करवाना है। तो अगर हम चाहते हैं कि पूरा ही प्रिंट हो जाए, है ना, अगर आप इसे कोई भी ऐसा नंबर डिजिट्स नहीं देना चाहते कहाँ तक प्रिंट करना चाहते, तो केवल अगर आप कॉलन लिखेंगे तो भी ये क्या करेगा, आपकी पूरी जो भी टेक्स्ट है स्ट्रिंग है उसे आपको प्रिंट करवा के शो करवा देगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, सिंपल सा था। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और नोट्स, नोट करने वाले हमारे जो थिंग्स हैं उन्हें हमें देखना है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ हो गया हमारा, फिर नोट करने वाला हमारे पास देखिए, ये आपको समझ में आया किस तरह से हम स्टार्ट और एंड का दे सकते हैं। फिर आता है इफ स्ट्रिंग इंडेक्स इज इनवैलिड इन इंडेक्सिंग प्रोसेस, यानी आपने जो स्ट्रिंग इंडेक्स दिया है वो आपके इंडेक्सिंग प्रोसेस में नहीं है, वी गेट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर, है ना, तो हमें क्या मिलती है, रेंज की एरर मिल सकती है ना स्ट्रिंग इंडेक्स में। अभी हमने इंडेक्सिंग प्रोसेस नहीं करा है, स्ट्रिंग इंडेक्स जो होता है उसमें अगर हमारे रेंज, जैसे कि अभी हमने देखा हेलो कि हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक थी, है ना, अगर ये रेंज 5 से ज़्यादा होती है तो हमें स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में क्या मिलता है, एरर मिलता है। वेयर एज एन स्लाइसिंग नेवर गेट इंडेक्स एरर, और स्लाइसिंग में हमें इंडेक्स एरर नहीं मिलती है, चाहे आप कितनी भी रेंज तक का दें, जैसे हमने 2 से 5 तक का दिया था, अगर आप 2 से 1000 तक का देंगे तब भी क्या होगा, आपके 2 से स्टार्ट करके जहाँ तक आपका टेक्स्ट है वहाँ तक का क्या करवा देगा, ये आपको प्रिंट करवा के शो करवा देगा। समझ में आया, जैसे अभी अब मैंने एक एग्जाम्पल करके देखा, उसी का बताया मैंने कि अगर आप 2 के बाद 5 नहीं लिख के 1100 जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं तो ये एरर मैसेज नहीं देगा, और आपका जो भी लास्ट तक का इंडेक्स है हेलो पूरा जहाँ से स्टार्ट करा होगा वहाँ से लेटर से लेके लास्ट तक का आपके प्रिंट हो जाएगा। सेकंड आता है इन स्लाइसिंग एंड इंडेक्स इज बिगर देन एंड इंडेक्स -1 PVM विल टेक अप टू द लास्ट पोजिशन कैरेक्टर्स ओनली। स्लाइसिंग में अगर आपका एंड इंडेक्स
एंड इंडेक्स माइनस वन से बड़ा होता है ना, जो भी हमने माइनस वन करा था फोर था है ना, तो अगर उससे बड़ा होता है तो पीवीएम यानी पाइथन वर्चुअल मशीन विल टेक अप टू द लास्ट पोजिशन कैरेक्टर। पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करती है, आपका जो भी कैरेक्टर होता है उसके लास्ट स्टेप तक का क्या करती है, स्टेप को वर्क करवाती है, उसको प्रिंट करवा देती है। ठीक है, एंड इंडेक्स माइनस वन ये आपका बैकवर्ड में था जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था है ना, वहाँ तक का होता है, तो आपका क्या करवा देती है पाइथन मशीन आपके कैरेक्टर्स को जो भी लास्ट तक होगा वहाँ तक के को प्रिंट करवा देगी। नेक्स्ट नोटेबल पॉइंट्स हैं आपके लिए इसमें स्लाइस में, अगर आपकी स्टेप वैल्यू मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया थ्री वैल्यूज होती है हमारे पास, बिगिन एंड स्टेप वैल्यू। ठीक है, अगर आपकी स्टेप वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट कैन नॉट बी ज़ीरो है ना, आपकी स्टेप वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है ना या फिर नेगेटिव भी हो सकती है, अगर वो ज़ीरो नहीं होती है और ये दोनों होती है तो आपको एरर नहीं मिलती है, बट अगर ये आपके स्टेप वैल्यू यानी आगे बढ़ने वाली वैल्यू आपकी ज़ीरो होती है तो पीवीएम गिव्स एन एरर मैसेज। पीवीएम क्या देता है, हमें एक एरर मैसेज सेंड कर देता है कि ये हमारा यूज़ नहीं किया जा सकता। इफ़ पॉजिटिव देन इट शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर आपकी जो वैल्यू थी अभी हमने लिखा था ना 2 से 5 तक का, वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव है यानी फॉरवर्ड वाला डायरेक्शन है, जैसा कि मैंने बताया फॉरवर्ड वाला डायरेक्शन है जिसमें 0 से एंड नंबर जो भी दिया है -1 तक का, तो वो कैसे रन करेगा आपके लेफ्ट टू राइट यानी जैसा अभी हमने करा था वैसे ही आपके टेक्स्ट को क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। बट अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है ना, तो क्या करेगा ये आपके उल्टा ले लेता है इसका, कैसे लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट कर देता है। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव होती है जैसे -2 की जगह हम -5 करते तो जैसे मैंने आपको दूसरी स्लाइड पर बताया था बैकवर्ड में चलता है तो उल्टा चलता है ना, वही यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपकी माइनस नेगेटिव वाली वैल्यू होती है देन शुड बी फॉर्म राइट टू लेफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन है ना, तो वह किस में चलेगा आपके राइट टू लेफ्ट में चलेगा, फॉरवर्ड वाले में तो आपके लेफ्ट टू राइट चलेगा एंड बैकवर्ड वाले में आपके राइट टू लेफ्ट का टेक्स्ट क्या होगा, प्रिंट होके आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल करके देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम जीरो का करके देखते हैं कि क्या हमें जीरो मिलती है या नहीं मिलती है ना, तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं डी, उसी में लिख रहे हैं हम है ना, ब्रैकेट स्टार्ट करा हमने, कॉलन लगाया, स्टार्टिंग और एंड वैल्यू नहीं दी और हम दे रहे हैं जीरो, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि जीरो अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरर मिल जाता है। ठीक है, जीरो लिखने पर हमें एरर मिल जाता है, ये वैल्यू आपकी प्लस में हो सकती है माइनस में हो सकती है, ये कॉलन क्या बता रहा है आपके बिगिन पॉइंट और एंड पॉइंट बता रहा है और ये आपके प्लस माइनस में हो सकती है, तो अगर जीरो लिखते हैं तो हमें एरर मिल जाती है, जीरो के अलावा कुछ और लिखते आप तो आपको एरर नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक लेके देखते हैं, हमने ये लिखा, ठीक है यहाँ पे हम लिख देते हैं, कॉलन लगाते हैं दो स्टार्ट और बिगिन पॉइंट के लिए और हमने लिख दिया यहाँ पे वन। वन क्या बता रहा है कि कितने से आगे इंक्रीज होगा, आपके जो प्रिंट होगा वो कितने से आगे इंक्रीज होगा, अभी आपको आउटपुट के थ्रू समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि जो भी वैल्यू आपके यहाँ पे प्रिंट हो रही है वो किससे आगे इंक्रीज हो रही है, एक से ना, तो इसमें स्टार्ट की वैल्यू बताई गई, नंबर बताया गया ना, एंड का वैल्यू बताया गया, बट जो आगे बढ़ रही है सिक्वेंस वो एक से बढ़ रही है। इसको हम चेंज करके देखते हैं, अगर हम इसको 2 लिखते हैं तो देखिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा, देखो आपकी जो प्रिंट होने वाली वैल्यूज है वो 2 से आगे बढ़ रही है, स्टार्टिंग में एच आ गया उसके बाद ई को इसने जंप मिस कर दिया और 2 पे आ गया है ना, यानी 2 से आपकी वैल्यूज क्या बढ़ रही है, आगे इंक्रीज हो रही है और जो 2 पे आ रही है वही आपको ये प्रिंट करवा के दिखा रहा है कि फर्स्ट आ गया फिर 2 स्टेप से आगे बढ़ना है, तो ये ई को नहीं देखा और एल को यहाँ प्रिंट करवा दिया, फिर एल को नहीं देखा और ओ को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, तो इस तरह से क्या होती है आपकी जो वैल्यूज होती है वो आगे इंक्रीज होती है अगर पॉजिटिव में है। अगर नेगेटिव में दी गई है तो देखिए नेगेटिव में उल्टा वर्क करेगा आपका, एक सेकेंड इसको स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा, नेगेटिव में उल्टा वर्क करता है, अभी मैंने बताया भी आपको, फॉर एग्जांपल हम यहाँ डी लिख देते हैं, ठीक है, और हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए और हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉलन्स और लिख देते हैं -2,
ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों समझ में आ रहे हैं आपको, जो कि मैंने अभी स्लाइड पे बताया, ये पॉजिटिव है और ये हमारे नेगेटिव है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। तो देखिए ये कैसे प्रिंट हो रहा है, उल्टा हो रहा है और माइनस टू, यानी ये जो वर्ड है आपका, इसका क्या करवा रहा है, ले रहा तो पूरी स्ट्रिंग में से ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं दिया। अगर हम स्टार्ट और एंड पॉइंट देते तो ये वहाँ से वर्क करता है ना, बट हमने वहाँ से ना देखे, अभी केवल इस पे देखा है कि प्लस एंड माइनस पे क्या करता है। प्लस में देखिए एच एल ओ दिखा दिया था, अब माइनस टू में क्या चलेगा, ये बैकवर्ड से चलेगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट करवा दिया इसने, ओ प्रिंट करवा दिया, फिर प्लस टू करा तो यहाँ पे एल आ मिला, इसे एल प्रिंट करवा दिया, फिर दो से आगे जंप करा तो इन्हें एच मिल गया और एच हमें प्रिंट करवा दिया। तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव के केस में आपके लेफ्ट टू राइट चल रहा है और नेगेटिव के केस में आपके लेफ्ट टू राइट आपका टेक्स्ट प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए। आप जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 उतने से क्या करेगा, ये आगे के जंप करके कैरेक्टर्स को आपको प्रिंट करवा के शो करवा देगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे। एक हमने वेरिएबल लिया एच और हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट, इसके कोट्स बंद कर देते हैं। अब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं ना, प्रिंट दोनों तरीके से करवा सकते हैं, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया, हमने यहाँ पे लिख दिया ये। अब हम देना चाहते हैं स्टार्ट और एंड पॉइंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कॉलन लगाया हमने और हम चाहते हैं 3 तक आ जाए, फिर हमने कॉलन लगाया, फिर हम चाहते हैं कि ये कितने से जंप हो जाए आपके, तो वो आपको यहाँ पे वैल्यू देनी होगी। हम 2 करके देखते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर 2, ठीक है। इसने क्या करा दिया, स्टार्टिंग किससे करवा दिया, 1 से करवा दिया, ठीक है। एंड किस पे करवाया, 3 पे करवाया, ठीक है। देखिए 1 से करवाएगा तो ये तो 0 है 1 पे, फिर 1 पे का क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, ठीक है। आपको दिख गया स्टार्टिंग कहाँ से हो गया आपका, 1 से। कहाँ तक जाना है आपको, 3 तक का, तो ये 3 है वो तो 2 पे है आपके इंडेक्सिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग, 4 है वो आपका 3 पे। बट आपने जाना है कि अगर हम जो एंड पॉइंट देते हैं वो हमारा -1 कर जाता है, यानी यहाँ पे अगर 3 दिया गया है तो -1 करेंगे तो 2 तक की वैल्यू आएगी, और 2 तक की वैल्यू कहाँ मिल रही है आपको, यहाँ पे, क्योंकि ये 1 तो 0 पे है, 2 हमारा इंडेक्सिंग में 1 पे है और 3 हमारा किस पे आ गया, 2 पे आ गया। अब इन दोनों की स्टेप वैल्यू 2 से आगे इंक्रीज हो रही तो 2 ही प्रिंट हुआ, उसके आगे की वैल्यूज इसमें प्रिंट नहीं करवाई, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से आपको थोड़ा और इसको समझ आना चाहा मैंने। तो हम वापस हमारे पीपीटी पे आते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया है, नहीं, ठीक है। अब ये बता रहा है कि जो आपके जो अभी तक हमने बात करी है ना, जो भी हमने सीखा है उसके बारे में बता रहा है कि इन पाइथन स्लाइस ऑपरेटर व्हाइल यूजिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के थ्रू स्लाइस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो क्या क्या होता है। देखिए डिफॉल्ट वैल्यू फॉर बिगिन इंडेक्स एज 0, हमने देखा कि 0 से स्टार्ट हुई थी इंडेक्सिंग वैल्यू, 0 1 2 3 4, है ना, वही है। डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एंड इंडेक्स इज लेंथ ऑफ इंडेक्स। डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड इंडेक्स की कौन सी होती है, जो भी हमारे स्ट्रिंग की लेंथ होती है, कितने तक की लेंथ है, वो हमारी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है एंड इंडेक्स के लिए, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर स्टेप्स इन 1, अगर आप ये स्टेप्स जो हमने 1 2 3 लिखे थे आगे बढ़ने वाले स्टेप्स, तो अगर आप नहीं लिखते तो बाई डिफ़ॉल्ट कितने से स्टेप्स ये आपके वर्क करता है, 1 से, यानी बाई डिफ़ॉल्ट 1 से आगे जंप ये करेगा ही करेगा। वो तो था फॉरवर्ड वाला, अभी बैकवर्ड वाला। इन पाइथन स्लाइस ऑपरेटर व्हाइल यूजिंग बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसमें क्या होता है, देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन में आपके किससे स्टार्ट होता है, इंडेक्स आपके -1 से स्टार्ट होता है क्योंकि वो बैकवर्ड से चल रहा है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग +1, ठीक है, जो भी आप 9 तक जा रहे हैं उसके +1 तक करके आपकी इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है। और लास्ट इसमें क्या है कि आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर स्टेप्स होती है -1, यानी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी स्टार्ट होने की होती है वो होती है -1 से, क्योंकि ये बैकवर्ड वाला डायरेक्शन है तो ये माइनस से अपना कंटिन्यू फॉर्म में चलता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में ये समझ में आया है कि किस तरह से आप स्लाइसिंग का अपने स्ट्रिंग पर यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप एक बड़ी स्ट्रिंग में से स्मॉल स्ट्रिंग्स को अपने प्रोग्राम के लिए यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।